योग गुरु बाबा रामदेव ने रांची में बड़ा बयान दिया। बाबा रामदेव ने कहा है कि देश में अतिवादियों की संख्या बढ़ रही है। कुछ लोग पतंजलि योग पीठ के आचार्य कुलम को हिंदू मदरसा कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो हिंदुस्तान के तमाम मदरसों और गुरुकुल मंदिर में भी एक साथ छापेमारी होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि हिंदू मंदिर में कोई हथियार नहीं मिलेगा। शाहीन बाग में सीओ विरोध के नाम पर रास्ता रोक कर चल रहे धरना प्रदर्शन के बारे में बाबा रामदेव ने कहा कि मैं किसी एक व्यक्ति को शाहीन बाग का जिम्मेदार नहीं मानता। रामदेव ने कहा है कि विचारधारा, धार्मिक विश्वास, आस्था के नाम पर जो जहर देश में घोला जा रहा है वही शाहीन बाग का मूल कारण है। एक बात थोड़ी कड़वी लगेगी, हिंदुस्तान के तमाम मस्जिदों में और तमाम मदरसों में एक साथ छापे डालिए और भारत के भी तमाम मंदिरों में और जितने भी आचार्य कुलम से लेकर के जो भी वैदिक स्कूल गुरुकुल हमारे चल रहे हैं या जो शिशु मंदिर चल रहे हैं सबके अंदर पतंजलि योगपीठ से लेकर सब में छापा डालिए। यदि वहां पर कोई आपत्तिजनक चीज मिले तो पता लग जाएगा कि कहां पर क्या है। मैं गारंटी देता हूं हिंदुस्तान के एक हमारे मंदिर के अंदर, एक हमारे वैदिक स्कूल के अंदर, गुरुकुल के अंदर कोई हथियार नहीं मिलेगा, कोई ड्रग नहीं मिलेगा। दूसरे लोग भी ऐसी गारंटी दे कि उनके किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में किसी प्रकार का कोई वहां पर ऐसा कार्य नहीं होता है जो कानून की दृष्टि से गलत है। ऐसे किसी पर आरोप लगाना बहुत घिनौनी बात। चलो हो गया।